इस अब दोस्तों क्या हाल चाल। वैसे काफी सारा पुराना माल अभी रिटायर्ड हो चुका है, गवर्नमेंट 275 एप्स पर निशाना बनाकर रखा है और उनमें से एक हमारी पबजी भी ऐप है जो बैन हो सकती है। उनमें से 59 एप्स गवर्नमेंट पहले ही बैन कर चुकी है और 47 एप्स को अब बैन किया है। और इस बार जो भी ऐप बैन की है वो सारी ऐसे हल्का माल थी, टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर इट लाइट वगैरह वगैरह, मतलब सारा हल्का माल था वो निकाल दिया, सारा सस्ता माल निकाल दिया। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अभी PUBG पर खतरों की घंटी बज रही है, PUBG पर काले बादल मंडरा रहे हैं और PUBG खेलने वाले के सर से पसीने छूट रहे हैं। दोस्त PUBG को बचाने के लिए डेवलपर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तो इन लोगों को नहीं पता PUBG इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, शायद 27%। वैसे अब तक जितनी भी एप्स बैन हुई है वो सारी की सारी प्राइवेसी के इश्यू के वजह से बैन हुई है। हम सबको पता है ऐसी बहुत सारी एप्स है जो कहीं से भी डेटा उठाती है और अपने सर्वर में भेज रही है चाइना, और ऐसी ऐप पकड़ी गई तो गवर्नमेंट ने सोचा इसको बैन कर दिया जाए। और इसको पकड़ने में काफी हद तक iOS 14 की वजह से सब कुछ बाहर आया। और भाई जैसे ही वीडियो बाहर आने लगे कि टिकटॉक ऐसे डेटा चोरी कर रहा है क्लिपबोर्ड का वगैरह, जिन लोगों को क्लिपबोर्ड नहीं पता है, क्लिपबोर्ड बेसिकली वो चीज है जिसमें आप जो भी सर्च करते हो या फिर कहीं से कॉपी करते हो वो सारा माल उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। और वो सारा डेटा भेज रही थी अपने सर्वर पे। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ टिकटॉक की एक बहुत बड़ी अपडेट आई, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। और जो भी एप्स बैन हुए भाई उसमें कंटेंट के नाम पे टट्टी मिलती थी यार। जैसे टिकटॉक को देख लो भाई, टिकटॉक के इतने नहीं उसमें थे, उसमें क्रिएटर्स थे काफी अच्छे, वीडियोस भी बना रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो टट्टी बनाते थे कि जो अच्छे क्रिएटर्स हैं ये इतने हैं और जो टट्टी क्रिएटर्स हैं वो इतने सारे हैं। तो सारा अच्छा कंटेंट टट्टी कंटेंट के पीछे छुप जाता था। PUBG प्योर चाइनीज ऐप नहीं है, ब्लू होल करके कंपनी है जिसने PUBG को डेवलप किया है और वो साउथ कोरिया की कंपनी है। और जो भी मार्केटिंग पब्लिसिटी का काम है, वो प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन वो सब एंसेंट गेम कर रहा है, वो एक चाइनीज ऐप है। तो मतलब देखा जाए तो ये एक मतलब दो कंपनी का कॉम्बिनेशन बनकर PUBG मोबाइल आई है। लेकिन अगर हम PUBG की बात करें तो PUBG उतना भी सीधा साधा बच्चा है नहीं जितना दिख रहा है, क्योंकि PUBG हमसे दो परमिशन मांगता है, माइक्रोफोन की और एक है स्टोरेज की। स्टोरेज की PUBG को भाई क्यों जरूरत है, PUBG एक ऑनलाइन गेम है, हो सकता है वो सारे जो नए मैप्स वगैरह है उसको डाउनलोड करने के लिए ले रहा है, पर भाई मुझे नहीं लगता ये इसलिए होगा। और दूसरे माइक्रोफोन की ले रहा है ताकि हम वॉइस चैट से बात कर सके, और वॉइस चैट में भी मुझे लग रहा है तब तक ये आपकी बात सुन सकता है और वो रिकॉर्ड भी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर PUBG ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को इम्प्रूव कर दिया है और गवर्नमेंट को कुछ मिलता है कि भाई ये कर रहा है, तो जरूर PUBG बैन हो जाएगा। पर अभी रिसेंटली PUBG ने अपनी प्राइवेसी को इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी PUBG ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है तो शायद इसमें PUBG बैन नहीं हो सकती। फिर तो भाई क्या पता गवर्नमेंट जाने की PUBG बैन होगी कि नहीं होगी, पर मेरे हिसाब से होगी तब भी बढ़िया है, भाई नहीं होगी तब भी बढ़िया है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। दोस्तों मिलते हैं अगली वाली वीडियो पे। अगली वाली वीडियो आ रही है 100 स्पेशल की, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।